Dad? डैड क्या हुआ डैड? क्या घबराहट हो रही है? दिल थोड़ा डैड मैं डॉक्टर को बुला लूं, चेक कर ले, उसके बाद आराम से तसल्ली से कुछ देर फिर बुला लेना डॉक्टर। देखो अफ्ताद मैंने ऐसी जिम्मेदारी नहीं डाली जो तुम ना उठा सको। कोशिश की तो करे आसानी के लिए, पहले अपनी इस्लाह करने की कोशिश की और फिर तुम्हारी भी इस्लाह ही करने की कोशिश की। तो भाई माँ के गुजर जाने के बाद एक बाप का फर्ज अदा किया है पूरे इखलास और ईमानदारी के साथ। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने हमेशा पूरी सच्चाई के साथ मेरा ख्याल किया है। आप बहुत अच्छे बाप हैं। जीते रहो। अफनान ऐसा लग रहा है कि रब के हुजूर पेश होने का वक्त आ गया है। जाना है अपने अपने वक्त पर। मैं मुतमईन हूं खोटा सिक्का है जो मालिक के हुजूर पेश हो। लेकिन यकीन करो इत्मीनान है वो मालिक मेरा अल्लाह 70 माहों से ज्यादा प्यार करने वाला है। वो यकीनन मेरे साथ रहमत का मामला करेगा, मुझे अपनी रहमत क्या होश में ले ले। डैड क्या हो गया आपको, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको, मैं डॉक्टर को बुला के ला रहा हूँ। डैड अच्छा कुछ देर तो बैठो यार। मैं मुस्तैद हूँ, बस दिल पर एक वो बोझ है। चाहता हूँ ये दिल हल्का हो जाए। डॉक्टर आप बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब जो कहेंगे मैं वैसा करूंगा, मैं आपसे कह रहा हूं जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। रमशा को तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं बेटा।